नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। यूपी 75। विपक्षियों पर सीएम योगी का हमला, बोले किसानों के कंधों पर बंदूक रख अर्थव्यवस्था पैदा अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं स्वार्थी तत्व। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, देश का अन्नदाता ही भाग्य विधाता, सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। पंचायत चुनाव से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगी प्रियंका गांधी, उसके बाद शुरू करेंगी पूर्वांचल का दौरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 425 महिलाओं के हाथ होगी कमान, अंतिम सूची 26 को होगी प्रकाशित। प्रयागराज के जयप्रकाश को भी संघ में मिली अहम जिम्मेदारी, पूर्वी यूपी क्षेत्र का व्यवस्था बनाया गया प्रमुख। वाराणसी में एसएसपी ने दारोगाओं को पढ़ाया नैतिकता का पाठ, भ्रष्टाचार से दूर रहने की दी नसीहत। कौशाम्बी में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, चार की हालत नाजुक, प्रयागराज हुए रेफर। यूपी के मेरठ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा, बढ़ाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण तय, भारी फेरबदल होने से कहीं खुशी कहीं गम। गाजीपुर में लाठी से पीटकर महिला की हत्या, भूमि विवाद का मामला, पुत्र हुआ जख्मी। राजधानी में 22 मार्च से होली स्पेशल बसें चलाने की तैयारी पूरी, हर आधे घंटे में मिलेगी सुविधा। आलमबाग, इंदिरा नगर व अलीगंज कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे आगे, गोमती नगर व चिन्हट इलाके में भी वायरस की रफ्तार तेज। पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। तीन लाख 60 हजार कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, लोगों में जबरदस्त आक्रोश। अंबेडकर नगर में आधी रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को किया गिरफ्तार, दरोगा को भी लगी गोली। अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, यूपी और बिहार पुलिस का छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। वाराणसी के तीन युवकों की बदोही में मौत और तीन घायल, बिना बताए घर से घूमने निकले थे सभी। यूपी पंचायत चुनाव में जौनपुर में संशोधित आरक्षण सूची जारी, 1740 ग्राम पंचायतों पर मिला आरक्षण। सोनभद्र में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा अपना दल का सिपाही, कार्यकर्ता सम्मेलन में बोली अनुप्रिया पटेल। गाजीपुर में जेसीपी की चपेट में आने से दो किशोरों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जनता दरबार में फरियाद सुनकर नाराज हुए सीएम योगी, पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश।
यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, कृषि अफसरों पर लगाया आरोप। कन्नौज में कोविड वैक्सीन लगवाने के दो दिन ही बाद सफाईकर्मी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। कासगंज में आम के बाग में मिला साधु का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की गई शुरू। मुजफ्फरनगर में दो मासूमों के साथ कुकर्म के बाद एक की हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 10 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले। दरोगा अश्लीलता प्रकरण में सीएम की सख्ती के बाद दरोगा, पूर्व कोतवाल और महिला थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 15 दिनों में 4 गुना फैल गया संक्रमण, 496 मरीज मिले पॉजिटिव। राम मंदिर निर्माण ग्राउंड इंप्रूवमेंट के लिए सामग्रियों की जांच शुरू, टेंडर देने से पहले मंगवाया सैंपल। अखिलेश यादव ने कहा शोषणकारी सरकार को किसान व जनता की एकता जड़ से देगी उखा। यूपी के हर जिले में होंगे मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी ने अफसरों संग बनाई योजना। मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्तराखंड से चरस ला रहा था प्रधान पद का दावेदार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्र पर बरसे किसान नेता नरेश टिकैत, बोले सरकार को छोड़ना होगा हट धर्मी और अड़ियल रवैया। गोंडा के गैस गोदाम में भीषण आग, एक के बाद एक 18 सिलेंडरों के विस्फोट से दहला इलाका। बहराइच में घर में घुसे युवक ने अकेली लड़की से की छेड़खानी, शोर मचाने पर भागा बदमाश। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की सोच से गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार। बरेली में नई आरक्षण लिस्ट जारी, 917 सीटों पर चुनाव लड़कर महिलाएं बनाएंगी गांव की सरकार। कानपुर देहात पर में पुलिस पर हमला कर लूटा पिस्टल, मोबाइल 28 पर दर्ज हुआ मुकदमा। गोरखपुर से लखनऊ की पहली फ्लाइट की 70% सीटें बुक, एक घंटे में पूरा होगा सफर। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का खतरा, 496 और मिले संक्रमित। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या में यूपीएसटीएफ ने पकड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री, करोड़ों रुपए की मदिरा संघ, 4 गिरफ्तार। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 141 नए केस, हजरतगंज में मिले सबसे ज्यादा मरीज।
लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा में 90 मिनट में देने होंगे 100 प्रश्न के आंसर, नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को देखेंगे भव्य अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट, 22 को तीसरी बार सीएम करेंगे समीक्षा। पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। बलिया में बोले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह, 50,000 वेतन वाले शिक्षक 50 मिनट भी मन से नहीं पढ़ाते। भगवान राम पर विश्व का पहला वर्चुअल स्कूल ऑफ राम विद्यालय, वर्चुअल विद्यालय का प्रारूप तैयार। वाराणसी के सारनाथ में जान की दुश्मन बनी मधुमक्खियां, 10 दिन में 3 बार पर्यटकों पर कर चुकी हैं हमला। गोरखपुर में झाड़ी के में बेहोशी की हालत में मिली सेल कर्मी की बेटी, दुष्कर्म की आशंका। प्रयागराज में सरकारी दुकान की आड़ में बिक रही है अवैध शराब, देसी शराब की 2 दुकानों का लाइसेंस निरस्त। फिर बिगड़ी ताजनगरी आगरा की आबोहवा, AQI पहुंचा 200 के पार। यूपी के बुलंदशहर में परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बेटे की मौत, पिता और गनर सहित 3 घायल। शामली में नशे में चूर दूल्हे के दोस्तों ने घुड़चड़ी में की हर्ष फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत। औरैया में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में दबंग अपने हाथों में तमंचा लहराते हुए आ रहे नजर। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, इसी के साथ बदमाशों के पास से अवैध असलहा भी किया गया बरामद। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की भरी हुई ट्रक, गाड़ी से पुलिस ने 1400 शराब की पेटियां की बरामद। सोनभद्र के रावटगंज के रामलीला मैदान में कार्यक्रम में पहुंची सांसद अनुप्रिया पटेल, यहां उन्होंने की पत्रकारों के साथ हुए दुष्व्यवहार की निंदा। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को अज्ञात ने मारी गोली, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गौशाला की गायों को खिलाया गुड़वा चना। हरदोई जिले के जिला अस्पताल से गंभीर लापरवाही आई सामने, जहां मरीजों के इलाज के दौरान अस्पताल की बिजली गुल होने पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में कर रहे मरीजों का इलाज। लखनऊ के थाना चौक इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक मकान में अचानक लगी आग, भीषण आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। रायबरेली में सलोन मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में पलटी तेज रफ्तार ट्रक, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम।
रायबरेली में स्वास्थ्य समुदाय केंद्र की बड़ी लापरवाही, स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ वार्ड में घूमते दिखाई दिया आवारा कुत्ते। आगरा पुलिस ने किया नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, साथ ही अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ताजनगरी आगरा के थानाबाद क्षेत्र में किन्नरों के दो पक्षों में विवाद, विवाद बढ़ने के चलते दोनों पक्षों में जमकर हुई मार। अमेठी के रामनगर जंगल में वार्षिक फायरिंग अभ्यास का आयोजन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फायरिंग अभ्यास का हुआ आयोजन। आजमगढ़ रोडवेज परिसर पर सिपाही ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर ही हुई उसकी मौत। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के ईश्वरनाथ के पास बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मार उतारा मौत के घाट, वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार। रामपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वकील पर कई लोगों ने किया लोहे की रॉड से हमला, इस हमले में वकील बुरी तरह से हुआ घायल। पंचायत चुनाव की सरकार की जोरदार तैयारियां, 12 घंटे के अंदर 66 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर। चंदौली में शिक्षक ने 10वीं की छात्रा से बनाया शारीरिक संबंध, गर्भवती होने पर उजागर हुआ मामला। यूपी के बलिया जिले में ज्यादा जायदाद के लिए बेटे ने मां को बताया मृत, मामला किया गया दर्ज। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।